नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं रवि प्रकाश आप लोगों का अंडर बैंकर में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के थ्रू वेरियस इन्फॉर्मेशन आप तक जरूर पहुंचती है, तो आज का ये वीडियो है रिगार्डिंग शेयर मार्केट, मार्केट की स्ट्रेटेजी एंड ऑल दैट। तो बिना किसी देरी के चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो जो है रिगार्डिंग शेयर मार्केट। तो पिछले कुछ दिनों से लगभग एक डेढ़ महीने से मैं मार्केट पे नजर रखे हुए था, स्ट्रैटेजी बना रहा था कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, किस कंपनी के अप्स एंड डाउन हो रहे हैं। तो जो मेरे फ्रेंड्स लोग हैं, जो मेरे स्टाफ लोग हैं, वो मेरी हेल्प कर रहे थे रिगार्डिंग ट्रेडिंग के बारे में, मुझे इन्फॉर्मेशन जहाँ तक मिल रही थी। मैं थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट करने की भी कोशिश कर रहा हूँ। तो कुछ डेटा मैंने कलेक्ट किया है यहाँ पे, और मैंने कैसे इन्वेस्ट किया है, क्या किया है, वो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक जरूर पहुँचाऊँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज का सेंसेक्स के बारे में। तो सेंसेक्स है 34,103.48, जो कि अभी प्रीवियस डे के मुकाबले 1,325.34 इंक्रीज हुआ है, दैट मीन्स 4.04% इंक्रीज हुआ है प्रीवियस डे के अकॉर्डिंग। और निफ्टी 50 के बारे में बात करें तो 9,955.20, जो कि प्लस 365 इंक्रीज हुआ है प्रीवियस डे के मुकाबले एंड 3.8% अप है प्रीवियस डे के मुकाबले में। तो दोस्तों मैंने कुछ शेयर्स में इन्वेस्ट किया था। अगर मैं अभी पूरे अगर हफ्ते की बात करूं, लास्ट वीक की बात करूं, तो बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन थे, मीन्स बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन थे। अप्स तो कुछ थे ही नहीं, सारे के सारे डाउन थे, मुझे सिर्फ रेड रेड ही दिख रहा था कहीं पे। मैं इन्वेस्ट करने के लिए इसमें नहीं था, बट मैंने फिर भी रिस्क लिया, और रिस्क लेने के बाद क्या हुआ मेरे साथ नहीं हुआ, तो अंत तक ये वीडियो ज़रूर देखें और बताएं मुझे कि मैंने क्या किया नहीं किया, तो वो सही है या नहीं है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो मुझे पास एक इन्फॉर्मेशन आया था कि इंट्राडे में आप RBL पे लगा सकते हैं, बट मैं अपनी स्ट्रेटेजी बना रहा था। मैंने सन फार्मा पे इंट्राडे लगाया था, उसके तकरीबन 5 शेयर्स मैंने लिए थे। तो ओवरऑल जो था, मीन्स मैंने इंट्राडे पे अकॉर्डिंग 365 पे समथिंग मैंने परचेस किया था अपना शेयर, बट जब वो डे ख़त्म हुआ तो 355 या 54 के अराउंड समथिंग था, तो मुझे लॉस हुआ वहाँ पर। और जो मेरे पास इंफॉर्मेशन था RBL का, तो RBL में मैंने इन्वेस्ट नहीं किया था, बट उसका स्टार्टिंग शेयर था अकॉर्डिंग मुझे याद नहीं अभी, बट जब वो एंड ऑफ द डे गया, एंड ऑफ EOD में गया, तो बिलीव मी गाइस, मीन्स तकरीबन 60 रुपीज़ उसके रेट जो थे वो बढ़ गए। तो मैंने वहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, तो मेरे डाउन हो गए। और मैंने कुछ शेयर परचेस किया है, उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा। मैंने 3 शेयर अभी परचेस किया है, एक है फोर्टिस, एक है येस बैंक का। जी हाँ दोस्तों, येस बैंक बहुत अप्स एंड डाउन हो रहे हैं, उसमें बहुत सारे न्यूज़ वगैरह आ रहे हैं, खुल के आ रहे हैं, तो मैंने रिस्क लिया है येस बैंक के ऊपर। और एक डीएलएफ में मैं पिछले 10 दिन से उस पर स्ट्रैटेजी बना हुआ हूँ। डीएलएफ थोड़ा बहुत ग्रो भी कर रहा है। अगर मैं ओवरऑल मार्केट की बात करूँ, तो सारे मार्केट्स के प्राइस जो है ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा डाउन है, काफ़ी ज़्यादा, कुछ कुछ के तो 100, 200, 300, और जो हाई कंपनीज हो गई, MRF की हो गई, मारुति की हो गई, उसके तो 1,000, 2,000 के आसपास डाउन थे लास्ट वीक में। बट लास्ट डे जो था, फ्राइडे का जो डे था, उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है। अगर मैंने, जैसे कि मैंने 40 येस बैंक और DLF का, ये 3 का मैंने शेयर परचेज किया है, ओवरऑल की अगर बात करो तो अभी तक मुझे -65 रुपीज़ का लॉस दिख रहा है 40 में, येस बैंक में 27.90 का लॉस दिख रहा है, और DLF में इंक्रीज हुआ है तकरीबन 3.28 का मुझे इंक्रीज हुआ है। अगर मैं परसेंटेज के बारे में बात करूँ, तो 40 का -8.64% में मेरा जा रहा है, येस बैंक का -9.84% पे जा रहा है मेरा, और DLF के बारे में बात करूँ तो +0.49 पे जा रहा है मुझे। और अगर लास्ट डे की बात करो, एंड ऑफ द वीक के डे की बात करो, डेट मीन्स फ्राइडे, तो 40 जो है 2.1% इंक्रीज हुआ है मेरा, येस बैंक 2% पे इंक्रीज है मेरा, और DLF जो है मेरा 6.28% पे इंक्रीज हुआ है। तो दोस्तों मैंने कुछ न्यूज़ वगैरह भी देखे थे, बहुत लोगों का कहना है कि जब मार्केट डाउन होता है तो आप इन्वेस्ट ना करें, लेकिन पिछले कुछ मंथ से मैंने प्रैक्टिस किया है, तो ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर मार्केट डाउन है तो आप रिस्क ले सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि
आईटी कंपनीज और फार्मास्यूटिकल्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट नॉट फॉर द शॉर्ट पीरियड बट फॉर द लॉन्ग पीरियड। उसी के रिगार्डिंग मैंने रिस्क लिया है, मैंने फार्मास्यूटिकल्स में भी लगाया है, फोर्टिस पे लगाया है, मैंने डीएलएफ पे लगाया है और यस बैंक पे तो लगाया ही है। तो ये सब शेयर्स हैं जो कि आने वाले टाइम में, जहाँ तक मुझे डेटा मिल रहा है कि अप्रैल एंड के बाद वो थोड़ा सा ग्रो होगा। और हम शेयर्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फोर्टिस, जो कि मैंने खुद परचेज किया है। तो उसका फोर्टिस के बारे में बात करते हैं थोड़ा। तो मैं अगर 5 डे प्रीवियस के इसमें चलूँ तो फ्राइडे 6 मार्च को जब वो मार्केट ओपन हुआ था तो 151 था उसके शेयर्स, और 13 मार्च के बारे में अगर बात करें दैट इज़ फ्राइडे तो है उसका 140.50। तो मैं अगर ग्राफ देख रहा हूँ तो पहले तो पूरा का पूरा डाउन हो गया था 5 डेज में, लाइक 151 पे था पहले, और बीच में अगर मैं बात करूँ तो 124 पे चला गया था, और फिर सडनली एक ही दिन में उसने 140 क्रॉस किया है दोस्तों। तो ये एक अच्छा साइन है फोर्टिस के लिए। और हम बात करते हैं आगे लाइक टाटा स्टील के लिए। टाटा स्टील के बारे में अगर बात करूँ तो 5 डेज का अगर जो पारा है उसका ग्राफ जो है तो 356.05 पे था लास्ट फ्राइडे, और ये फ्राइडे है 329.50। तो लास्ट फ्राइडे जो था 356, टाटा स्टील की मैं बात कर रहा हूँ अभी, तो बीच में शेयर जो है उसका दैट इज फ्राइडे को ही 255 हो गया था और सडनली 329 पे वो ग्रो किया है। तो ये एक अच्छा साइन है कहीं ना कहीं कि मार्केट जो है एक स्टेबिलिटी ला रहा है। और अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में बात करते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है अगर हम 5 डेज का ही इसमें भी ग्राफ देख रहे हैं तो 45.55 रुपीज़ था फ्राइडे 6 मार्च को, और आज का रेट है 37.00 13 मार्च। तो बीच में अगर हम देखें तो 30 रुपीज़ के आसपास भी ये चला गया था, तो इसका भी ये जो ग्राफ है वो थोड़ा सा ग्रो किया हुआ है। सन फार्मा, जी हाँ दोस्तों, सन फार्मा पे मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया था और मुझे लॉस हुआ था, बट सन फार्मा का अगर हम बात करें 5 डे का तो 400.55 था लास्ट वीक में, और आज के वीक में 385। तो 400 से लेकर के 385 तो, और बीच में जो इसका ग्राफ जो चला गया था अराउंड 348 के आसपास भी गया हुआ है। तो लास्ट वीक जो था बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन थे, मीन्स मैं खुद सरप्राइज था, मैं खुद और न्यूज़ वगैरह भी देख रहा था कि मीन्स 12 साल के बाद इतना ज़्यादा डाउन हुआ है रिगार्डिंग आपका कोरोना वायरस और येस बैंक का जो क्राइसिस चल रहा था उसके रिकॉर्डिंग। और हम अगर जो कि मैं एक बहुत बड़ी कंपनी मानता हूँ MRF को, तो MRF का अगर हम बात करें तो उसके एक शेयर्स का प्राइस है 65,985, और अगर हम लास्ट वीक के बारे में बात करें तो लास्ट वीक था उसका 65,480 और आज का वीक जो है 65,985। तो 408 से लेकर के 985, तो MRF के लिए कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है। जो कि अगर बीच में अगर बात करें MRF की तो उसका शेयर जो है चला गया था 60,800 पे, मतलब समझ रहे हो दोस्तों, 65,000 से 60,000 फिर ग्रो करना 65,000 में, ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी कंपनी के लिए। क्योंकि लास्ट वीक जो मैं देख रहा था तो सिर्फ यहाँ से स्टार्ट था ग्राफ, ऐसे ऐसे सिर्फ डाउन है, और लास्ट दिन की अगर बात करें दैट मीन्स फ्राइडे की तो सीधा यहाँ से यहाँ ग्रो किया दोस्तों। तो अच्छी साइन है कि मार्केट में स्टेबिलिटी आने की कोशिश हो रही है। और RBL जिसमें मैं इन्वेस्ट करना चाहता था बट मैं खुद की स्ट्रेटजी बनाया था तो मुझे थोड़ा लॉस हुआ था, तो उसका क्या है दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आपको। 5 डे का जो इसका ग्राफ है तो लास्ट वीक में 257 था और आज का है 209। तो जिस दिन मैंने इंट्राडे लिया था तो स्टार्टिंग हुआ था उसका समथिंग ये 202 पे था वो, और सेम डे पे एंड हुआ था वो 207 पे। तो 202 से 207 के सफर में थोड़ा सा आपको इंक्रीमेंट मिलता है इंट्राडे पे, आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप खेल सकते हो तो वो चल सकता है। तो दोस्तों ये है आज का स्ट्रेटेजी है। और मैं अगर नेक्स्ट वीक के बारे में बात करूँ
तो जहां तक मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ग्रीन सिग्नल तो आने ही वाला है मार्केट में, और भी बहुत सारे कंपनीज हैं। आरकॉम का है, मैंने आरकॉम पे में इन्वेस्ट किया था, उसका भी डाउन पे चल रहा है। टाटा स्टील पे भी मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ, और बहुत सारी कंपनीज है जिसपे मैं इंट्राडे पे मैं खेलने वाला हूँ। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है मार्केट में। और जो मुझे लास्ट वीक जो मुझे थोड़ा प्रॉफिट मिला है तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। बट अगर मैं लॉन्ग टर्म के बारे में बात करूँ, जो मैंने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है 3 शेयर्स में, तो वो कहीं ना कहीं मेरे लिए पॉजिटिव पॉइंट्स बनने वाले हैं आगे चल के, लाइक इस महीने के एंड तक में। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही था। तो प्लीज़ मुझे बताएं कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आप अगर इंटरेस्टेड हैं शेयर मार्केट में, इन्वेस्टमेंट में, तो गो अहेड दोस्तों आप। लेकिन एक स्ट्रैटेजी बना के चले तो अच्छा होगा। हर कंपनी के आपका न्यूज़ में अपडेट आते ही रहते हैं कि आज का ये कंपनी, ये ग्रुप, या लाइक बहुत सारे बिजनेस वाले न्यूज़ भी हैं, बिजनेस न्यूज़पेपर भी आते हैं, मीडिया है, गूगल है। मैं तो सबसे बेस्ट गूगल को मानता हूँ, क्योंकि मैं जब चाहूँ तब उस कंपनी की रेटिंग्स वगैरह देख सकता हूँ, मैं ग्राफ्स देख सकता हूँ। मेरे जो ऐप है, 2-3 ऐप है मैंने इंस्टॉल करके रखे हुए हैं, तो उसमें मुझे बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। और 3-4 साइट्स हैं जहाँ पर कि कुछ साइट्स बताते हैं कि कौन सा शेयर्स खरीदना चाहिए, कौन सा शेयर्स बेचना चाहिए। तो बहुत कुछ है आपके पास इन्फॉर्मेशन, बट आप अपने दिमाग से चलिए दोस्तों, क्योंकि अलग अलग साइट्स जो है अलग अलग डेटा बताते हैं। कभी कभी कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि ये साइट पे डेटा आ रहा है कि सेल करें, और इस साइट पे डेटा आ रहा है बाय करें। तो जो सेल और बाय वाले के जो बीच में जो रहता है वो आपका मेंटेलिटी रहता है दोस्तों। अगर आप अगर लिस्ट लेना चाहते हैं तो प्लीज़ गो अहेड, नहीं लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप प्रिपरेशन कीजिए कि किस में आप रिस्क लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, मनी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। आप किस तरह से मार्केट में आप जो अप्स एंड डाउन है वो आप किस तरह से देखते हो उसे। बट अगर मैं पर्सनली अगर बोलूँ तो जब मार्केट डाउन होता है तो आप शेयर्स को खरीद सकते हैं, बट आप जो है उसे लॉन्ग टर्म में आप रखें तो बेटर होगा। क्योंकि कुछ शेयर्स के जो अगर मैं 6 महीने का अगर स्ट्रैटेजी बना के रखूं, तो एक शेयर का दाम अगर 600 है और आज की डेट में उसका अगर 200 या 250 के आसपास है, और उसका और अगर 1 साल पहले के देखें तो उसका 1 साल के पहले भी अगर 400 अगर 6 महीने में था, तो हो सकता है कि इससे पहले 500, 450 या इस तरह के ग्राफ होगा। लेकिन अभी जो मार्केट सिनेरियो है, मार्केट्स तो डाउन हो रहे हैं, यूएस के मार्केट डाउन हो रहे हैं, चाइना के मार्केट डाउन हो रहे हैं, तो ये दोनों जो है कंट्री जो है वो बोले वर्ल्ड वाइड को अफेक्ट कर रही है अभी। तो जैसा कि आपको पता ही है क्राइसिस चल रहे हैं अभी, तो देखना ये है कि आने वाला हफ्ता जो है क्या रहेगा, कैसा रहेगा। मैं खुद इंटरेस्टेड हूँ, बहुत अभी सीख ही रहा हूँ अभी, बट जो भी मैं सीख रहा हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ, वो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक जरूर पहुँचाने वाला हूँ दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, आने वाली वीडियोज़ अभी बहुत भी है, लाइक एबीवाईबी के बारे में है, अमित वीडियोज़ डाल ही रहे हैं और मैं भी यहाँ से डालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और आपको आने वाली वीडियोज़ में क्या चाहिए प्लीज़ मुझे वो भी बताएं, मैं उसके रिगार्डिंग भी वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों शेयर मार्केट के ये आज का हफ्ते का ये वीडियो था, और नेक्स्ट वीक में मैं डालूंगा डायरेक्ट, दैट इज फ्राइडे सैटरडे समथिंग। मैं शेयर मार्केट का मैं डेली तो थोड़ा बहुत अपडेट देता रहूँगा अपने फेसबुक चैनल पे या यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहाँ भी मेरे साथ बने रहें। और पूरे हफ्ते का समरी मैं एक बार ही बनाऊंगा आपके लिए, तो देखते हैं क्या होता है आगे आने वाले हफ्ते में। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं से समाप्त करता हूँ। मैं रवि प्रकाश, अंडरल बैंकर, साइनिंग आउट।